ਹਾਂ ਅਸਲ ਚ ਲੋਕਲ ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਸ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੀਵਰੇ ਦੇ ਢੱਕਣਾ ਤੇ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਾਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ जे कि चंगे बंदे कौंसलों के बहन ये डेमोक्रेसी की बे नींह है ये डेमोक्रेसी का बेस है जे जे नींह वधिया होगी तो बिल्डिंग आप ही वधिया होगी। साढ़े तो लोग सुनेहे भी नहीं लगे थे क्योंकि रात ही जो प्रोग्राम बनया से अज तुम देख सकते हो कि वड्डा कट है क्योंकि जी नाभा नगर कौंसल है ये लंबे समय तो जरा भ्रष्टाचार फैला हुआ 15 साल तो लगातार अकाली कांग्रेसी दोनों रल के लुटन लगे हुए हैं। पार्टी देखो जी अपनी धक्का कर सकती है कोई उन्होंने कोई दबाव नहीं है तो जब साढ़े वोट पड़वा सकते हैं वोट सुखा सकते हैं कल कुछ भी कर सकते नगर कौंसल चोणां नूं लै के सियासी अखाड़ा पूरी तरह पक चुकी है जिस दे तहत सियासी पार्टियां दे उम्मीदवारां दे हक विच वड्डे वड्डे लीडर चोण प्रचार कर रहे ने जिस दे तहत नाभा विखे पहुंचे आप पार्टी दे पंजाब प्रधान अते संसद मैंबर भगवंत मान ने नगर कौंसल चोणां विच खड़े उम्मीदवारां दे हक विच रोड शो कीता। इस मौके उन्होंने कांग्रेस पार्टी दे शब्दी हमले भी कीते ने। इस मौके ते आप पार्टी दे उम्मीदवारां वल्लों भी अपनी जित नूं यकीनी दसी है। असल च लोकल वोटां ने महल्लिआं दे लोक आपस इक दूजे दे मूँह मत्थे लगदे रहिंदे आ चंगे बंदिआं नूं चुणन दा ही असीं प्रचार कर रहे हां कि हजे तक असीं गलियां नालियां सीवरे दे ढक्कणा ते आवारा पशुआं जां गंदगी दे ढेरां दीआं गल्लां करदे आ रहे हां ते जे कि चंगे बंदे कौंसलां दे विच बहिण ये डेमोक्रेसी की बे नींह है ये डेमोक्रेसी का बेस है जे जे नींह वधिया होगी तो बिल्डिंग आप ही वधिया होगी सो चंगे बंदिआं नूं चुणन दी असीं तुहाडे जरिए अपील करा बहुत ज़्यादा। मैं राजपुरा फतेहगढ़ साहब जाके आया तो मतलब मैं तो ऐ लगता जिवें संगरूर जदों मैं लोक सभा लड़दा हुंदा उस वेले का जिहड़ा माहौल हुंदा उही माहौल है तो लोग चाहते ने कि कुछ ना कुछ बदलीए कोई ना कोई निज़ाम च तब्दीली आवे नहीं तो असी तंगड़ियाँ जड़ियाँ तकड़ियाँ पंजियाँ फसे पे हैं तो झाड़ू जोड़ा है वो कला गलियां दी जा घरां दी जा दुकानां दी सफाई नहीं करता वो राजनीतिक सफाई भी करूगा। कांग्रेस कहती असी तां विकास दे मुद्दे ते चुनाव लड़ना भी करोड़ों रुपए के विकास कराते साढ़े कागज क्यों नहीं भर देंगे फिर जो विकास ही इन्ना किया डरते क्यों ने वो लड़न क्यों नहीं देंगे साढ़े बहुत सारे उम्मीदवार के कागज़ रद्द करा रहे हैं जां कागज़ भर नहीं देंगे जां उन्होंने उम्मीदवारों को किडनैप करके लै जांदे ने तो लड़ लो फिर विकास के मुद्दे से की विकास किया कोई विकास नहीं होया सो ये तो लोग दस देंगे 14 फरवरी शाह जी अज का जो ठाठा मारदा काठा दर्शाता भी नाभे के लोग ने जोड़े वो भ्रष्टाचारियों तो जिहड़ियां रवायती पार्टियां ने हुण तक भावें अकाली दल भावें कांग्रेस की सरकार आ उन्हां तो दुखी ने ते अज लोग आप मुहारे आए ने साढ़े तो लोग सुनेहे भी नहीं लगे थे क्योंकि रात ही जो प्रोग्राम बनया से अज तुम देख सकते हो कि वड्डा कट है क्योंकि जी नाभा नगर कौंसल है ये लंबे समय तो जरा भ्रष्टाचार फैला हुआ 15 साल तो लगातार अकाली कांग्रेसी दोनों रल के लुटन लगे हुए हैं तो लोग चाहते ने बदलाव करना नाभे की नगर कौंसल भ्रष्टाचार तो मुक्त करना चाहते हैं जिस करके अज लोगों के जो आवाम जुड़िया हुआ तो नाभा तो आम आदमी पार्टी के जोड़े उम्मीदवार ने वो पूरी तरह जितने गए कितना लग रहा है बहुत अच्छा लग रहा है जी बहुत बड़ा सानू उन्होंने माण आ असी भी अज वार्ड नंबर 8 च अपनी रैली करी सी उत्थे बहुत लोगों का सानू बहुत माण मिलिया साडे निकू जी देवमान जी सारे उत्थे पहुंचे हुए थे बड़ा उत्साह लोगों का लोग बदलाव चाहते हैं ईमानदार पार्टी चाहते ने केजरीवाल की बड़ी हो वा उन्होंने करके बड़ा लोगों को उत्साह होया पाया इस करके सानू पूरी है भी असं वार्ड नंबर 8 के पूरी मेहनती पूरे जोरों शोरों जित प्राप्त करा लगता है पार्टी देखो जी ओपोजिशन धक्का कर सकती है कोई उन्होंने कोई दबाव नहीं है
ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵੋਟ ਫੜਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੋਟ ਸਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ 14 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਫਾਈਟ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਝਾੜੂ ਦੀ ਹੋਵਾ ਹੋਰ ਤੀਜੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ 14 'ਚ 14 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਹਟਾਂਗੇ, 14 ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਟ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਜੋਰਟੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਝਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ, ਬਦਲਾਅ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਆਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ, ਚਾਹੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਉਹੀ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ